और वहां जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियर हैरिसन से हुई। सन 1983 में उन्होंने हैरिसन से शादी कर ली। सन 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू किया। सन 1991 में उन्हें अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और फिर दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए नासा ने साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया। 19 नवम्बर 1997 को कोलम्बिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया। इसके बाद वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय